देखिए चाचा को देखिए लालटेन जो है लेकर चल रहे हैं। क्या चाचा लालटेन लेकर चल रहे हैं? लाइट जलता है? लाइट जलता है तो नहीं जलता, आपको दिखाई नहीं पड़ता है? हाँ, मुंगेर में कोई लड़ाई नहीं है, मुंगेर में बैकवर्ड फॉरवर्ड का आग लगा हुआ है। आ इस आग में सब दल जितना भी है सब जल के भस्म हो जाएगा। और अनीता कुमारी झंडा फहराए, आज लाइव टेलीकास्ट देख लीजिए जमालपुर में, जमालपुर को देख लीजिए, ललन बाबू को घुसने नहीं दिया। कैसे आप कह रहे हैं नई विकास होगा, सोबत बताइए क्या आपका कहना है? अब आप ही कह रहे हैं कि ललन सिंह ने विकास कार्य नहीं किया है, तो विकास कार्य तो करना ना पड़ेगा उसको, क्या मैंने बजरंग बली की तरह सीना चीर कर नहीं दिखाया जाएगा? आश्वासन तो दे रहे हैं तो उस पर खड़ा उतरेंगे। मतलब और हमारा बेटा एक्सीडेंट में मर गया, पूछ लीजिए हैं? और वो कहे, वो झूठ को कहे कि 30,000 रुपया दिए हैं जबकि एक पैसा नहीं दिया। यहाँ की जनता एकदम मन बना ली है कि इस बार हम राजद के पक्ष में वोट करेंगे। कम से कम 3 से 4 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं। आप 4 लाख बोल रहे हैं, आनंद कुमार सिंह बोले 5 लाख से। वो तो बोलेंगे ही 4 लाख, लेकिन जनता का जो अभी विश्वास, अभी बनाया है 11 करोड़ के गेट, एक भी पानी नहीं है, टाल नहीं डूबता, दाल कहाँ से खाएगा? मुकामा डबरहिया टाल दाल का कटोरा है, पूरे भारत को दाल देता है। जिस खेत में पानी नहीं आता है उस खेत में दाल उपजेगा? पत्रकार साहब बताइए तो, पूरे हिंदुस्तान का दाल का कटोरा है हमारा बरहिया मुकामा खुठा टाल, इसमें 3 साल से पानी नहीं आ रहा, बोरिंग से पटा पटा के खेत जोतता है किसान। हर बेरोजगार के रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी मिलता था, आज पता कीजिए कि 10 साल में कितने युवा को रोजगार मिला। और रोजगार लेने में, पढ़ने लिखने में हमारा बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे अव्वल है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। मुंगेर लोकसभा चुनाव जो है अब एकदम बेहद ही नज़दीक आ गया है, 6 दिनों में चुनाव होना है। इसको लेकर जब हम लखीसराय क्षेत्र का दौरा कर रहे थे उसी समय राजद के कुछ कार्यकर्ता जो है पर्ची बांटते हुए हमें मराची के गांव में मिले हैं। तो हम जानते हैं कि मुंगेर लोकसभा को लेकर राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कैसी तैयारी कर रहे हैं और क्या मतलब रणनीति बना के चल रहे हैं। कैसे ये अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को चुनाव NDA गठबंधन दल के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के विरोध में जो है अनीता देवी को जिताएंगे, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ जो राजद के जितने भी कार्यकर्ता गण मौजूद हैं। तो कैसे क्या रणनीति लेकर जो है प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, कैसे जिताइएगा मतलब ललन सिंह से? जनता खुद जो है उम्मीदवार से आगे है और जनता फैसला कर चुका है, इस बार परिवर्तन का फैसला कर चुका है। कैसे दावा करते हैं? माहौल देखिए ना, आप जाके घूमिए देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। मतलब पूरा मूड बना के चले? पूरा मूड बनाया हुआ है। मतलब अभी जब हम बात कर रहे थे यहाँ के कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ के जो प्रत्याशी अनीता देवी है उनका तो इस क्षेत्र में दौड़ा ही नहीं हुआ है। नहीं, दौड़ा हुआ है, एक बार गई है, रोड शो करते गई है। रोड शो? हाँ हाँ, गई है बड़ैया बहाव से भर जो है आपको आउटा तक आई है वो रोड शो करते हुए। मानते हैं कि मतलब ललन सिंह का जो है वोट नहीं है इस बार? ललन सिंह का वोट है लेकिन ज़्यादा वोट जो हम लोगों के साथ है, जो उनके निगेटिव जो एंटी इनकम्बेंसी है, जनता के वादों के ऊपर खड़ा नहीं उतरे ललन सिंह, और जनता से 5 साल तक कभी दर्शन नहीं हुआ, और कुछ चंद ठेकेदारों से घिरे रहते हैं और आम कार्यकर्ता और जनता से दूरी उनका रहा है, इसलिए उसका बहुत काफ़ी विरोध है। यहाँ तो और भी कई नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं जिन्हें लोग अभी जानते तक नहीं, वो प्रत्याशी के रूप में हैं, लेकिन अशोक महतो को राजद ने टिकट तो जरूर दे दिया उनकी पत्नी को, लेकिन जनता अशोक महतो की पत्नी पर क्यों भरोसा करे, क्यों उनको वोट दे? अशोक महतो की पत्नी पढ़ी लिखी महिला है, इससे पहले तो उनका कोई राजनीतिक छवि नहीं था, राजनीतिक छवि नहीं था इसके पहले, और पार्टी के लाइन पर वोट मिल रहा है अशोक महतो का, चूँकि जनता के बीच कैसे भरोसा बना पा रहे हैं कि अनीता देवी जो है एक बढ़िया चेहरा है, अनीता देवी के जीतने से विकास होगा? कैसे आप कह रहे हैं नहीं विकास होगा, सोबत बताइए क्या आपका कहना है? अब आप ही कह रहे हैं कि ललन सिंह ने विकास कार्य नहीं किया है, तो विकास कार्य तो करना ना पड़ेगा उसको, क्या मैंने बजरंग बली की तरह सीना चीर कर नहीं दिखाया जाएगा? आश्वासन तो दे रहे हैं तो उस पर खड़ा उतरेंगे। मतलब जो आश्वासन के साथ जनता के बीच जा रहा है वो आश्वासन पर खड़ा उतरिएगा? दूसरा क्या उसका थी है? क्या है तैयारी? पूरी तैयारी है और यहाँ की जनता एकदम मन बना ली है कि इस बार हम राजद के पक्ष में वोट करेंगे
और राजद के प्रत्याशी कुमारी अनीता जी हैं भारी बहुमत से। हम सभी महागठबंधन के लोग हैं और घर का भी आज हम घर घर घूमने का काम किए हैं। बरहिया बाहापुर से लेकर के इधर मनाची और इधर दरियापुर औटा सभी जगह घूम रहे हैं। और जो लोगों में जो हम उत्साह देख रहे हैं, हमसे बोलने से पहले जैसी हम बोलना चाहते हैं लालटेन वो पहले बोल देते हैं, हमको मालूम है कि हमको वोट कहाँ देना है। हम जो उत्साह जनता में देख रहे हैं वह उत्साह साबित कर रहा है कि इस बार लालटेन छाप मुंगेर लोकसभा से लालटेन छाप का झंडा फहरा रहा है, तेजस्वी जी का झंडा फहरा रहा है, महागठबंधन का जीत सुनिश्चित हो रही है, यह मुंगेर की जनता बता रही है। कभी आपके पार्टी में रहने वाले अनंत कुमार सिंह जो किपुड़ विधायक मोकामा के हैं, वो आज जो है ललन सिंह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हो सकता है उनकी अपनी यह व्यक्तिगत राय थी। हम लोगों ने भी अगले पिछले विधानसभा में ललन सिंह की अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को भी हमारे गठबंधन में थे तो उनको हम बहुमत दे करके जिताने का काम किया। लेकिन अब उनकी मर्जी, उनकी क्या उम्मीद थी जो हाँ ये हमारे महागठबंधन को छोड़ करके NDA गठबंधन में गई हैं, उनकी व्यक्तिगत क्या लाचारी थी, व्यक्तिगत क्या मनसा थी, उन्होंने अपना व्यक्तिगत उनका निर्णय था। अनंत सिंह का जो समर्थन ललन सिंह को है, क्या इससे अशोक महतो अनिता देवी को कुछ नुकसान? नहीं, अनिता जी को उससे कोई नुकसान नहीं है। अब अनंत बाबू उनको समर्थन कर रहे हैं, उनकी अपनी एक छवि है, अपने अनुसार वो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो महागठबंधन है, चूँकि आप भी जानते हैं तेजस्वी जी का जो नारा है हर रोजगार को हर हाथ को रोजगार मिलना, हाँ ये सबसे बड़ी बात है। उनका घोषणा है कि रक्षाबंधन के दिन हमारी जो भी गरीब महिलाएं हैं 1 लाख रक्षाबंधन के उपहार के रूप में 1 लाख जो गरीब महिलाएं हैं सबको मिलेगा। ये जो है ये घोषणा है, यह घोषणा साबित कर रहा है कि ज़रूर हम ये महागठबंधन के पक्ष में वोट डालेंगे। और जनता ने मन बना ली है कि इस बार हम महागठबंधन को वोट देंगे और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं कुमारी अनीता जी, उनके पक्ष में यह जन सैलाब है, वोटरों का सैलाब है। हम तो घूम रहे हैं, घूम करके आप भी कहीं कहीं वेट लीजिए उनका, जनता से वो कहेंगे नहीं अभी हम महागठबंधन। प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया चल रहा है, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और बढ़िया रिस्पांस भी मिल रहा है। क्या लगता है इसमें हम लोग की जीत सुनिश्चित है? कैसे कर सकते हैं, कैसे दबाव? जनता का माहौल देख के लगता है कि हम लोग का जीत सुनिश्चित है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता खुद बखुद अपने आप बोल रही है कि हम लोग इस बार अनीता देवी को भारी बहुमत से जिताएंगे। और जो 10 साल में उन्होंने जो ललन सिंह ने कार्य किए हैं उनके कार्य से ना खुश है जनता लोग। कितने वोट का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं कि मतलब? कम से कम 3 से 4 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं। आप 4 लाख बोल रहे हैं, अनंत कुमार सिंह बोले 5 लाख से। वो तो बोलेंगे ही 4 लाख, लेकिन जनता का जो अभी विश्वास हम लोग को मिल रहा है उससे लगता है कि हम लोग 4 लाख 5 लाख वोट से जीतेंगे। इधर देखिए चाचा को, देखिए लालटेन जो है लेकर चल रहे हैं। क्या चाचा, लालटेन लेकर चल रहे हैं, लाइट जलता है? लाइट जलता है तो नहीं जलता, आपको दिखाई नहीं पड़ता है? हाँ, हाँ। क्या कहते हैं इस बार कैसा मेहनत चल रहा है? इस बार मुंगेर के किला पर अनीता कुमारी झंडा फहराएगी और इधर ललन बाबू हैं, इनको हमने 15 साल वोट दिया और हमारा बेटा एक्सीडेंट में मर गया, पूछ लीजिए हैं। और वो कहे, वो झूठ को कहे कि 30,000 रुपया दिए हैं जबकि 1 पैसा नहीं दिया, हमारा बेटा का लहास भी नहीं मिला। हम घूर रहे हैं इनके प्रचार के लिए, समझ गए ना? और अभी जो है मुंगेर में कोई लड़ाई नहीं है, मुंगेर में बैकवर्ड फॉरवर्ड का आग लगा हुआ है और इस आग में सब दल जितना भी है सब जल के भस्म हो जाएगा। और अनीता कुमारी झंडा फहराए, आज लाइव टेलीकास्ट देख लीजिए जमालपुर को देख लीजिए, ललन बाबू को घुसने नहीं दिया हमारे गांव में। अभी बनाए हैं 11 करोड़ के गेट, एक भी पानी नहीं है, टाल नहीं डूबता, दाल कहाँ से खाएगा? मुकामा बरहिया टाल दाल का कटोरा है, पूरे भारत को दाल देता है। जिस खेत में पानी नहीं आता है उस खेत में दाल उपजेगा? पत्रकार साहब बताइए तो, पूरे हिंदुस्तान का दाल का कटोरा है हमारा बरहिया मुकामा खुठा टाल, इसमें 3 साल से पानी नहीं आ रहा, बोरिंग से पटा पटा के खेत जोतता है किसान।
क्या करें, बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो लड़ाई बताया जा रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। हमने तीन बार वोट दिया है, तीन बार, एक बार नहीं तीन बार हम अनंत बाबू को वोट दिए हैं, ललन बाबू को वोट दिए हैं, लेकिन झूठ बोलने वाला पर हमको विश्वास नहीं है। हमारा बेटा मर गया, अभी आंसू ने बा पूछ लीजिए, सत्य है, ये भी राम का तिलक करते हैं। और मोदी जी कहते हैं हमने राम को जन्म दिया, राम को जन्म मोदी जी दिए थे कि राजा दशरथ दिए थे, उसको अंग्रेज पकड़ कर चलते हैं। बता देते हैं वो जो राम मंदिर बना है वहाँ से कई गो को रोजगार मिलेगा। अगर कारखाना खुलता हमारे घर में चार गो बीए कल बेटा बेरोजगार है। बस इतना ही कहते हैं। क्या चाचा, क्या सच्चाई के बारे में बोल रहे हैं कि आप जानते हैं क्या सच्चाई था इनका? सच्चाई तो ये एकदम जितना भी बात बोले है ना उनको यार बोलना चाहिए था, कम बोले हैं सच्चाई एकदम। आप देख रहे होंगे कि 6 तारीख को आपको बाढ़ क्षेत्र में नीतीश जी आए, उनका फील्ड में जो था 4 आना भी नहीं भरा। आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में आज जो था वो लखीसराय में, मैंने फील्ड में जगह नहीं था, पैर धरने का जगह नहीं था। इससे साबित होता है कि वहाँ 2000 भी पब्लिक नहीं थे। आई अनीता जी के सभा में जन सैलाब था, इससे साबित हो गया है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कुमारी अनीता जी 4 लाख वोट से जीतेंगी। पूरा भरोसा है जो जन सैलाब था, जो जन सैलाब जो है वोट में तब्दील हो जाएगा, एकदम तब्दील होना है, हो गया, समझिए, होना नहीं हो गया। चलिए बैठ करके क्या कहते हैं, कैसा तैयारी है आप लोग का? हम लोग का बहुत अच्छा तैयारी है, हमारे साथ में पूरा जन समूह है। और हम लोग माने कि देख लीजिएगा 13 तारीख को हम लोग के पक्ष में, अनीता देवी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में पुरजोर माने कि वोट पड़ेगा और उजल उजल के वोट पड़ रहा है। आज कहाँ कहाँ दौड़ा किया? आज हम लोग माने कि बरहिया बहा से लेकर के इधर औटा तक का हम लोग का ये है। और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं जनता में उत्साह इतना है कि सीधे बोलते हैं अब की बार लालटेन छाप और अनीता कुमारी ही जीतेगी। क्या कहते हैं, कहाँ से, क्या कैसी तैयारी है आपकी? सबसे पहले तो स्वराज भारत के पत्रकार लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप आम जनता के बीच जाकर खुद को जो है न्यूज़ बना रहे हैं। और आप हमसे ज़्यादा आप जा रहे हैं तो आप लोग को आम जनता क्या जवाब दे रहे हैं वो तो आपको मालूम है। देखिए यहाँ का जो तैयारी है, लड़ाई जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और जो पिछले बार जो सरकार जो थी केंद्र की, जो वर्तमान में सरकार है, पिछले 10 सालों से उन्होंने जो जुमलेबाजी किया कि भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 70 साल में हमने जो किया वह पूर्ववर्ती 70 साल में जो काम ने वह हमने 10 साल में किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं केंद्र की सरकार जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनसे पूछिए कि 70 साल में 70 रुपये जो है पेट्रोल डीजल नहीं हुआ था, आपने 10 साल में 100 रुपये पार कर दिए। 70 साल में 600 रुपये सिलेंडर गैस का दाम नहीं हुआ, आपने 10 साल में 1200 रुपये कर दिए। 70 साल में जो ये तमाम जो है कंपनियां जो हैं जो मोबाइल कम्युनिकेशन वाला, पहले 10 रुपये का कूपन मिलता था, आज क्या किसी को मिल रहा है 10 रुपये का कूपन? 70 साल में जो है स्थिति इतनी नाजुक को बता रहे हैं, उससे तो ज़्यादा आज का स्थिति नाजुक हो चुका है कि आज अगर UPA की सरकार होती जिस तरह पूर्व UPA की सरकार में हर गाँव हर कस्बे में हर बेरोजगार के रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी मिलता था, आज पता कीजिए कि 10 साल में कितने युवा को रोजगार मिला। और रोजगार लेने में पढ़ने लिखने में हमारा बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे अव्वल है। आज यहाँ का युवा इतना है, लेकिन यहाँ का युवाओं के साथ अगर धोखा किसी ने दिया तो वर्तमान केंद्र की सरकार और भाजपा की सरकारों से मिली है। चलिए तो देखिए ये इंडिया गठबंधन के यहाँ सभी दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं, राजद की बात करें या VIP की बात करें, सभी दल के लगभग जो है इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं सभी दल के नेता जो है कार्यकर्ता जो है मौजूद हैं। और सभी का कहना है कि जो हमारी तैयारी चल रही है वो तैयारी बेहतर है, जहां जा रहे हैं वहां रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है और हमारा कैंडिडेट का जीत जो है पक्का है। तो इसी तरह छोटी सी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।